अस्सलाम वालेकुम जी वीवर, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। आज का जो व्लॉग है वो है, पहले हम अरूज को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके जो इंजेक्शन हैं वो चल रहे हैं। आज के दिन उसको लगेंगे, आज अभी लगेंगे और रात को लगेगा दो इंजेक्शन बस लगेंगे, फिर इंशाल्लाह उसका किनोला भी उतर जाएगा। और अभी माशाल्लाह से अरूज बिल्कुल ठीक है, और बस ये है कि हर दो दो घंटे बाद उसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके उठा के दूध पिलाना पड़ता है। और रात को हमने एक नई चीज़ सीखी, वो ये कि बच्चे को जिस बिस्तरे में आप सुलाते हो, छोटे बच्चे को 3 महीने तक पहले भी सोते रहते हैं। चारों बच्चों से पाला, अब पता चला सही रूज को कैसे पाल रहे हैं। अरूज सबसे ज्यादा तंग कर रही है हमें, ठीक है, और ये बहुत मुश्किल हो रही है इसको पालने में। प्री मिच्योर बेबी है, ठीक है, और ये है कि मतलब कि वो सोते बहुत है बच्चे। पहले तो सोते थे हम तो टेंशन ही नहीं थे लेते, बस 4 घंटे बाद उठे, 5 घंटे बाद उठे, जब उठे दूध दे दो, टेंशन नहीं है। लेकिन इसको 2-2 घंटे बाद उठा के दूध देने का बोला है डॉक्टर ने, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त लगती है उठाने में। लेकिन आसान तरीका रात को हमने उठाने का ये ढूंढा, क्योंकि मुँह पर पानी भी नहीं डाल सकते, आसान तरीका ये है कि उसके कपड़े और बिस्तर चेंज कर दो, ठीक है, फ़ौरन कपड़े और बिस्तर चेंज कर दो, पूरी हर चीज़ उसकी चेंज कर दो, तो उसको लग जाएगा वो अलग जगह पे फील करेगी और फ़ौरन उठ जाएगी। और जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं उठते, पहले के भी पहले हमारे ये जोया, नेहा, सैमी तो रोता ही रहता था और अंजलि भी सोते ही रहते थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया। लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि इसका खास ख्याल रखो और इसको जो है 2-2 घंटे बाद फीड दो, ताकि ये अपना वेट है, जो वज़न है, ये गेन कर सके। अभी है ये 1 किलो 80 ग्राम की, और आगे देखते हैं, अल्लाह खैर करे 1 हफ्ता इसको दूध देंगे, देखेंगे क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो रूटीन यही है कि हर 2-2 घंटे बाद रात को 3-4 बजे तक मैं देता हूँ, उसके बाद सुबह तक बिट्ठी देती है, और दिन में तो हम दोनों ही, कभी बिट्ठी कभी मैं। और अभी इसको लेके चलते हैं, जाके इंजेक्शन लगवाते हैं। ये इसके कपड़े जो है धो के डाले हुए हैं हम। माशाल्लाह अरूज जो है बड़े आराम से सो रही है। जब हमने इसको उठाना होता है, हम ये वाले बिस्तर से इसको निकालते हैं और बिल्कुल इसको इस बिस्तर से अलग कर देते हैं। इसकी जो वो है ब्लैंकेट, मतलब वशाई वगैरह, उसको भी उतार देते हैं, तो जल्दी उठ जाती है, वरना उठती नहीं है। जितना मर्जी हला लो जला लो, जो मर्जी कर लो, है। हाँ चले, हम लोग जो है अरूज को लेके आए थे, इंजेक्शन लग गया और रात को जो है इसका। और आप ये बताओ कि अरूज का यहाँ पे ट्रीटमेंट जो था कैसा हुआ है? यहाँ पे ये गुलशन मेमार में जो है फैज़ आम हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, और स्टाफ बहुत जो है बहुत तावन करते हैं, मतलब के वो करते हैं, हमारे हमारे साथ जब भी हम आते हैं तो बहुत मतलब अच्छे से हमें मिलते जुलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बाकी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है, और जी अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आंटी भी हमारे साथ बहुत अच्छा रही है। ये आंटी हमारी रिश्तेदार है। हाँ ये आंटी हमारी रिश्तेदार है। ठीक है तो फिर हम चलते हैं। तो आज रूज का लास्ट जो है ना वो है इंजेक्शन। हाँ अभी लास्ट इंजेक्शन इसको शाम को लगवाने आएंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर बस आप दुआ करना कि दोबारा हम अरूज का। चलो जी अभी चलते हैं, बाय बाय। घर पे आ चुके थे, मैंने इसको रेडी वेडी कर लिया है, और क्या बोलते इतने को 2-3 घंटे इसको मैं उठाती रही, ये उठी नहीं है, दूध ही नहीं इसने पिया। तो उसका पापा भी बाहर गया, तो मैं उसको बोली सी आप आओ तो इसको उठाओ, मुझसे तो भैया नहीं उठ रहे, नहीं करो अंजलि। फिर मैं तो अभी उसको मैंने तैयार त्यूर कर दिया, कपड़े चेंज किए, इसलिए ड्रेस पहना हुआ था पिंक कलर का ये वाला। हाँ तो ये देखो अंजलि का काम, फ्रिज खोल दी है और इसने ज़ोर ज़ोर से बंद कर दी, ख़राब कर दी। और जोया ये देखो क्या पता लेट के क्या करें। तो मैं यहाँ पे सोच रही अपने पिछड़े लगा लूँ, क्योंकि बलून सारे हमने उतार लिए, और अंजलि यहाँ पे जो है ना इसके ध्याने लगे, इसको स्टॉप कर दो बेटा। और तस्वीरें तो वहाँ पर पड़ी थी टेबल पर, तो मैंने उठा के इधर रख दी, मैंने बोला ख़राब हो जाएगी इस कमरे में, तो अभी ये मैं उतार के ये वाले उस कमरे में लगा दिए। मैं यहाँ से उतार के ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ ये हमारे रूम में लगी थी, बलून लगे थे, इस वजह से पिंजरे वहाँ पे इन्होंने रख दी, तो मैंने बोला ख़राब हो जाने, तो अभी मैं इनको साफ वाफ करके ये हमारे ये एक यादें हैं। यादें नहीं इसको तोड़ क्या करते हो, यादें नहीं तोड़ दो बेटा, अगर आपको तोड़ के खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने पिछड़े भी लगा दिए, ठीक है। तो ये मैंने बेडशीटें नहीं ली थी, दो ली थी, अम्मी से ली थी, और सामने देखो
ये पता नहीं कौन है, ये कौन है कहती पता नहीं, अपने आप को पहचान नहीं रही। सही है, और क्या बोलते हैं, अभी मैं बनाने लगी खाना तो मुझे इतनी नींद आ रही है, चिप्स काका वो मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो पानी है, रूज भी यही पानी है हमारे जो पीती है, इसको हम बॉइल अच्छे से करके और इस थर्मस में इसको मैं पैक कर देती हूँ साफ सा धो। तो आज हम बनाएंगे भिंडी के, कुछ बनाने के समझ नहीं था ऐसे क्या पकाना है। और अंजलि चिप्स का वो कह रही है चिप्स खानी, लेकिन आलू नहीं है तो तेरा पापा नहीं आया, तो उसको फोन करती हूँ तुम्हारे। ठीक है, शाम हो चुकी है तो जान अभी तक नहीं आया, और मैंने इतनी मुश्किल उसको ना उठा उठा के ना थोड़ा बहुत उसको फीड करवाया, वो तो उठ ही नहीं रही। टेंशन उसकी यही होती कि दूध नहीं वो पीती, तो मैंने फोन किया, बोलता मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ा सा फीड कराया, तो वो अंजलि के साथ मिलो, अंजलि बना रही है यहाँ पे सब्जी, मैंने बोला मेरे साथ हेल्प करा दो, किसी ने जाना था लेकर हाँ अंजलि कर लेती है, और अपलोड तो कर लेती है लेकिन प्राइवेट में करती हूँ ना। नहीं अभी मैं पब्लिक भी आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे इसको साथ साथ साफ भी कर रही, साथ साथ कटिंग कर रही, और जो रूज है ना वो बड़ी ही मुश्किल वो करती फिर भी है ना उसको, उसकी वजह से ना मेरी तो नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी, जिसका बोलते हैं पापा सख्त हाथ लगाते हैं इसलिए वो उठ जाती है, मम्मा तो सख्त नहीं लगाती वो उठती नहीं। ऐसी बात नहीं है काका, ये बात नहीं है कि सख्त हाथ लगाती हूँ यहाँ, वो वैसे भी पता नहीं क्या है, वो जब उसका इंजेक्शन लगता है फिर तो वो सो ही रहती, बस दो तीन महीने की बात है, थोड़ी जल्द बड़ी हो जाए। दो तीन महीने की बात नहीं है, आज के दिन की बात है। नहीं मतलब उठती नहीं ना वो, यही तो प्रॉब्लम है, उठती नहीं है। और अगर उठेगी नहीं फिर कैसे करेगी, फिर हाँ। नहीं करेगी तो पानी की कमी होगी, हाँ पानी की कमी होगी तो बीमार होगी, हाँ ये मसले में सारा, इसलिए उसकी परेशानी हो जाती। तो आज हम बनाएंगे, देखो सुबह की सब्जी लेके आए हैं, लेकिन उसको संभालते शाम हो गई है, तो अभी वो मजे से सो रही, मैं आपको दिखाती कमरे में, इस बिस्तर में, पहले में दूसरा बिस्तर था मैंने चेंज कर दिया, इसमें सोती हैं, उठती ही नहीं, उसको पता है यहाँ पे मैंने सोना है सुकून से, जैसे हमने आपको बताया, अभी देखो आराम से सो रही हूँ। काम घर पे मैं लाया हूँ बच्चों के लिए बर्गर, और अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा भूख हो रही थी, साथ में हरी चटनी भी पार्सल करवा लाया हूँ, और मैं घर के लिए लेके आया हूँ, ये काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिल गए, ये दानिश के कबाड़ में मिले हैं, उसके पास ऐसी कुर्सियाँ और टेबल और भी काफ़ी सारे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छे रेट पर मिल गए, वैसे तो मेरा पार्टनर है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऐसे ही हैं सेम, ठीक है, क्योंकि किसी स्कूल के हैं, तो ये मैं ले आया हूँ अपने घर के लिए, और आपको ये चाहिए हो तो दानिश के फ़ोन नंबर पे आप रابطہ कर सकते हैं, ये हम लोगों ने खरीद लिए हैं, तो ये बच्चे बैठ के पढ़ भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, जो भी लोग कर सकते हैं, इस्तेमाल में हो जाते हैं हर तरीके के इस्तेमाल में हो जाते, और ये भी खा रहे हैं बर्गर।